हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 से 3 चम्मच दूध से एक कड़क चाय। बहुत से लोगों को कम दूध वाली चाय पसंद आती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कम दूध से चाय कैसे बनाएंगे। मैंने पतीले में 2 कप पानी लिया है, 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है क्योंकि मैंने 2 लोगों के लिए चाय बनाई है। आप चाहें तो चीनी स्किप कर सकते हैं अगर आपको शुगर से प्रॉब्लम है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे। दूध, पानी और चीनी के अच्छी तरह से बॉयल हो जाने के बाद इसमें हमें 1/2 चम्मच गोलदाना चाय और 1 बड़ा चम्मच लॉन्ग लीफ टी डालना है। दोनों चाय को डालने के बाद हमें गैस को तुरंत बंद कर देना है और इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक देंगे। याद रखें कि चाय को हमें खौलाना नहीं है। तो 5 से 6 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो आपको चाय का एक अलग ही कलर दिखाई देगा और ये एक कड़क जो कलर है वो आता है लॉन्ग लीफ टी का और जो मैंने चाय को ढक के छोड़ा था उसकी वजह से। तो इसमें ना तो अदरक है ना इलायची है और 2 से 3 चम्मच से दूध है, तो इससे मैंने बनाई है एक कड़क चाय। तो आप इस तरीके से चाय बनाइए और इसे आप सिर्फ 5 से 6 सेकंड के लिए सिर्फ हमें गर्म करना है, इसे खौलाना नहीं है। तो इस तरीके से चाय बना करके आप जब पियेंगे तो आपको कम दूध और ज़्यादा दूध वाली चाय का फ़र्क साफ पता चलेगा और इसमें जो टेस्ट आता है वो सिर्फ लॉन्ग लीफ टी का एक कड़क टेस्ट आता है। तो ये हमारा गर्मा गर्म चाय बिल्कुल तैयार है।